नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ पेशी अकेडमी से। आज हम मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में छिंदक नागवंश के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं स्थापत्य कला या मंदिर निर्माण। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा राज्य है छत्तीसगढ़। यह हमारा राज्य है छत्तीसगढ़। यह आपका है बस्तर संभाग, मिडिल पोर्शन में दुर्ग तथा रायपुर संभाग। यह आपका है बिलासपुर संभाग, सरगुजा संभाग, कांकेर नारायणपुर दंतेवाड़ा, कांकेर नारायणपुर दंतेवाड़ा, सुकमा बस्तर कोंडागांव। यह आपका है कबीरधाम राजनांदगांव, बेमेतरा दुर्ग बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर धमतरी, महासमुंद गरियाबंद, मुंगेली पेंड्रा बिलासपुर। यह आपका है रायगढ़ कोरबा जांजगीर चापा, कोरिया सूरजपुर बलरामपुर सरगुजा और जशपुर। हम डिस्कस करने जा रहे हैं छिंदक नागवंश के अंतर्गत स्थापत्य कला। छिंदक नागवंश के मंदिर निर्माण या स्थापत्य कला, मंदिर निर्माण अर्थात स्थापत्य कला। ध्यान दीजिएगा, छिंदक नागवंश के शासक शैव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन इनके शासन काल में भी शैव धर्म के अतिरिक्त वैष्णव धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म सभी को समान संरक्षण प्रदान किया गया था। अर्थात छिंदक नागवंश के शासन काल में धार्मिक सहिष्णुता तथा धार्मिक समानता की भावना विद्यमान थी। तो इस प्रकार से शैव धर्म के छिंदक नागवंश के शासक शैव धर्म के अनुयायी थे, शैव धर्म के अनुयायी थे, शैव धर्म के अनुयायी थे। अर्थात इनके द्वारा जो मंदिर का निर्माण किया गया है वह मुख्य रूप से शिव मंदिर का निर्माण किया गया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि छिंदक नागवंश की महारानी गुंड महादेवी के द्वारा बस्तर के नारायण पाल में नारायण मंदिर अर्थात विष्णु मंदिर का निर्माण भी किया गया है, जिससे यह पता चलता है कि छिंदक नागवंश के शासनकाल में धार्मिक सहिष्णुता विद्यमान थी। मुख्य रूप से शिव मंदिर का निर्माण किया जाता था, लेकिन विष्णु मंदिर के भी निर्माण किए गए हैं। मंदिर निर्माण शैली, मंदिर निर्माण की शैली थी नागर शैली, अर्थात छिंदक नागवंश के शासकों के द्वारा नागर शैली में मंदिर का निर्माण किया गया है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पकड़ते हैं छिंदक नागवंश के प्रमुख मंदिर। सबसे पहले पकड़ते हैं बस्तर में केशरपाल। यह है बस्तर में केशरपाल। बस्तर के केशरपाल में स्थित है गुढ़ियारी शिव मंदिर। बस्तर के केशरपाल में स्थित है गुढ़ियारी शिव मंदिर, गुढ़ियारी शिव मंदिर, जिसके संस्थापक है छिंदक नागवंश के शासक जय सिंह देव। छिंदक नागवंश के शासक जय सिंह देव के द्वारा केशरपाल में, बस्तर के केशरपाल में गुढ़ियारी शिव मंदिर का निर्माण किया गया। बस्तर के केसरपाल में स्थित है गुढ़ियारी शिव मंदिर, जिसके संस्थापक है छिंदक नागवंश के शासक जय सिंह देव। यह आगे पकड़ना है, यह आपका है नारायण पाल। यह आपका है नारायण पाल। बस्तर के नारायण पाल में स्थित है नारायण मंदिर, जो कि एक विष्णु मंदिर है। ध्यान दीजिएगा, बस्तर के नारायण पाल में स्थित है नारायण नारायण मंदिर, जो कि एक विष्णु मंदिर है, नारायण मंदिर जो कि एक विष्णु मंदिर है, और इसके संस्थापक है छिंदक नागवंश की महारानी गुंड महादेवी। तो छिंदक नागवंश की महारानी गुंड महादेवी के द्वारा बस्तर के नारायण पाल में नारायण मंदिर का निर्माण किया गया। नारायण मंदिर के संस्थापिका है, इसके स्थापक, इसके संस्थापक है छिंदक नागवंश की महारानी गुंड महादेवी, रानी गुंड महादेवी, गुंड
महादेवी। इस बात की जानकारी हमें प्राप्त होती है गुंड महादेवी के नारायणपाल शिलालेख से, जबकि जय सिंह देव के केशरपाल शिलालेख से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि जय सिंह देव के द्वारा केसरपाल में गुड़ियारी शिव मंदिर का निर्माण किया गया, जबकि रानी गुंड महादेवी के नारायणपाल शिलालेख से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि रानी गुंड महादेवी के द्वारा नारायण मंदिर का निर्माण किया गया, जो कि एक विष्णु मंदिर है। यह आपका पकड़ना है चित्रकूट। चित्रकूट के एरिया में यह है छिंद गांव। यह आपका है छिंद गांव। चित्रकूट के छिंद गांव में स्थित है गोरेश्वर महादेव मंदिर। गोरेश्वर महादेव मंदिर छिंदक नागवंश के द्वारा छिंद गांव में गोरेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किया गया। छिंदक नागवंश के द्वारा छिंद गांव में, चित्रकूट के छिंद गांव में गोरेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किया गया। गोरेश्वर महादेव मंदिर छिंद गांव, गोरेश्वर महादेव मंदिर छिंद गांव का निर्माण किया गया। यह आपका पकड़ना है छिंद गांव। छिंद गांव में गोरेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किया गया। यह आपका पकड़ना है घूमर, ध्यान दीजिएगा, घूमर मुंड पारा छिंद गांव के पास में है। घूमर मुंड पारा चित्रकूट में अगला है। घूमर मुंड पारा, घूमर मुंड पारा, घूमर मुंड पारा में स्थित है शिव मंदिर। घूमर मुंड पारा में स्थित है शिव मंदिर या महादेव मंदिर। घूमर मुंड पारा में स्थित है शिव मंदिर या महादेव मंदिर, ध्यान दीजिएगा, शिव मंदिर या महादेव मंदिर। घूमर मुंड पारा में स्थित है शिव मंदिर या महादेव मंदिर। आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, यह आपका पकड़ना है बारसूर। यह पकड़ना है दंतेवाड़ा में बारसूर। दंतेवाड़ा के बारसूर में स्थित है धारा वर्ष के सामंत या सेनापति चंद्रादित्य द्वारा निर्मित मामा भांजा मंदिर, बत्तीसा मंदिर, चंद्रादित्य मंदिर, ये तीनों है शिव मंदिर, तथा चंद्रादित्य सरोवर तथा युगल गणेश प्रतिमा। ध्यान दीजिएगा, बारसूर में धारा वर्ष के सेनापति, धारा वर्ष के सामंत या सेनापति, सामंत चंद्रादित्य द्वारा निर्मित, चंद्रादित्य द्वारा तीन शिव मंदिर का निर्माण किया गया है। पहला है आपका मामा भांजा मंदिर, मामा भांजा मंदिर, पहला है मामा भांजा मंदिर। दूसरा है 32 खंभों पर टिका हुआ बत्तीसा मंदिर। इसका नाम बत्तीसा मंदिर इसलिए है क्योंकि यह 32 खंभों पर स्थित है, 32 खंभों पर स्थित है बत्तीसा मंदिर। और तीसरा है आपका चंद्रादित्य मंदिर, तीसरा है आपका चंद्रादित्य मंदिर। ये तीनों के तीनों है शिव मंदिर, ये तीनों के तीनों है शिव मंदिर। चौथा पकड़ना है युगल गणेश की विशाल प्रतिमा, युगल गणेश की विशाल प्रतिमा, युगल गणेश की विशाल प्रतिमाएं, दो गणेश की विशाल प्रतिमाएं प्राप्त हुई है, युगल गणेश की विशाल प्रतिमाएं, युगल गणेश की विशाल प्रतिमाएं। और पांचवा है चंद्रादित्य सरोवर, चंद्रादित्य सरोवर अर्थात बारसूर का विशाल तालाब, बारसूर का विशाल तालाब, बारसूर का विशाल तालाब या चंद्रादित्य सरोवर, ये पांचों का निर्माण किया है छिंदक नागवंश के शासक धारा वर्ष के सामंत चंद्रादित्य ने, ध्यान दीजिएगा। और ये पांचों के पांचों स्थित है बारसूर में, ये पांचों के पांचों स्थित है बारसूर में, ध्यान दीजिएगा। अगला डिस्कस करने जा रहे हैं बैला डीला की पहाड़ी का ही एक भाग है ढोलकल पहाड़ी। ढोलकल पहाड़ी, ढोलकल पहाड़ी जो कि बैला डीला पहाड़ी का ही एक भाग है, बैला डीला पहाड़ी का ही भाग है ढोलकल पहाड़ी। फरसपाल गांव, ध्यान दीजिएगा, फरसपाल गांव ये है, फरसपाल गांव बैलाडीला पहाड़ी का ही भाग है ढोलकल पहाड़ी। ढोलकल पहाड़ी के ऊपर, ध्यान दीजिएगा, ये ढोलकल पहाड़ी है, ढोलकल पहाड़ी के ऊपर एक गणेश की प्रतिमा है जिसे कहा जाता है ढोलकल गणेश प्रतिमा। यह आपका है ढोलकल गणेश प्रतिमा, ढोलकल गणेश प्रतिमा,
ध्यान दीजिएगा, ढोलकल गणेश प्रतिमा जिसके निर्माता है छिंदक नागवंश के शासक। ध्यान दीजिएगा, तो छिंदक नागवंश के प्रमुख मंदिर निर्माण या स्थापत्य कला को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। केशरपाल में है जय सिंह देव द्वारा निर्मित गुढ़ियारी शिव मंदिर। नारायणपाल में है रानी गुंड महादेवी द्वारा निर्मित नारायण मंदिर जो कि एक विष्णु मंदिर है। छिंदगांव में है गोरेश्वर महादेव मंदिर। घुमरमुड़ पारा में है शिव मंदिर जिसके निर्माता है छिंदक नागवंश के शासक। बारसूर में धारा वर्ष के सामंत चंद्रादित्य द्वारा निर्मित तीन शिव मंदिर है, मामा भांजा मंदिर, बत्तीसा मंदिर, चंद्रादित्य मंदिर। युगल गणेश की विशाल प्रतिमाएं तथा चंद्रादित्य सरोवर या बारसूर का विशाल तालाब। फरस गांव, दंतेवाड़ा के फरस गांव बैलडीला पहाड़ी का ही एक भाग है। ढोलकल पहाड़ी में ढोलकल गणेश की प्रतिमा विद्यमान है। तो ये है छिंदक नागवंश के प्रमुख मंदिर निर्माण।